हरमेल सिंह जी, अपने परिवार समेत द्राहे तो आए हैं जी। अज गुरु हरकृष्ण जी का गुरता गद्दी दिवस से परिवार समेत अपने हरिमंदर साहब दर्शन करना आए सी। बाबा जी के दर्शन करके बहुत आनंद आया। अपने परिवार की सुख शांति वास्ते हूँ भला सारे अपने लोगों का भला चाहते हैं। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। असी अज इत्थे धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी के दरबार नतमस्तक होने आए सी, क्योंकि शुकराना करने वजो कई उन्होंने साडिया मनोकामनावां पूरियां कीतियां ने, उहदे संबंध दे विच शुकराना करना है। तो अज नाल ही सत्तवें पातशाह जी का ज्योति जोत, श्री गुरु हरि साहब जी का ज्योति दिवस मनाया जा रहा, तो अठवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस भी सिख संगतां धूमधाम नाल मना रही ने। आले बल्ड च जिते जिते गुरु नानक लेवा बस रहे ने सारे, असीं शुकराना करने गुरु साहब जी का, सब नूं इसे तरह खुशियां बख्शण, सब दियां मनोकामनां पूरियां होण जिंदा साडियां होईयां ने। असीं बड़ियां अरदासां कीतीआं, जिहड़े साडे बच्चिआं दीआं कीतीआं सी अरदासां पक्के हो गए ने बच्चे, उहनां दीआं बाहर इंग्लैंड च अरदासां बेनतीआं कीतीआं सी, उह सारीआं मनोकामनां पूरियां। मैं गल की यार मिट्टी 'च रोलदिआं नूं बस ताज बनाते ने महाराज सच्चे गुरु पातशाह रामदास जी ने, बड़ा अपार कृपा की है। वाहेगुरु जी का खालसा। मेरा नाम मनमोहन सिंह, पिंड जियोवाल, तहसील बलाचौर, जिला नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, उतों आने शनिवार, हरेक शनिवार एतवार आई जा। अज गुरु हरकृष्ण जी का गुरु गुरु गुरता गद्दी दिवस है जी। तो ये सिखां दे अठवें गुरु होए ने। इन्होंने सब तो छोटी उम्र में ही गुरु गद्दी हासिल कर ली सी। इन्हों के पिता जी गुरु हर राय जी तो इन्होंने गद्दी हासिल कर दी। तो 1664 ईस्वी इन्हों समाल पॉक्स होने करके ये अपना अठवां जन्मदिन नहीं मना सके, इस करके ये ज्योति जोत समा। हाँ बहुत अच्छा लगा जी, दरबार साहब आए हैं जी, तो नतमस्तक हुए हैं, तो असी अपने आप को सुभाग्य समझते हैं जी असी इतने आके।